नमस्कार, मैं लोकेश मकवान। बात करते हैं होली के उन काव्य पुष्टि की, रंगों की। और लगातार 5 वर्षों से खबर 24 आपके बीच अनेक कार्यक्रम लेकर आता है। बात हम फागुत्सव की करें, बात हम रंग रंगीलो राजस्थान की करें, बात हम खबर 24 के न्यूज बुलेटिन की करें, तो होली का पावन त्योहार जो है बड़ी धूमधाम से हिंदुस्तान के अंदर मनाया जाता है। लेकिन खबर 24 अपील और करता है कि कोविड जो है वो दोबारा दस्तक दे चुका है और देश के अंदर दूसरी जो कोविड की जो गाइडलाइन है उसका अमल करें, ध्यान दें, क्योंकि कोविड का टीकाकरण जरूर हो रहा है लेकिन उसमें अगर आपको शुगर की बीमारी हो, आप बीमारी ग्रस्त हो, तो पहले आप अपनी जांच करा लें, उसके बाद आप अपना टीकाकरण करें। और बात करते हैं आज होली के पावन अवसर पर हमारे बीच ऐसे क्षेत्र के जाने माने कवि है जो रोजाना कई मंचों पर मंचासीन होकर उन दर्शकों को, उन लोगों को लुभाने का काम करते हैं अपनी कविता के माध्यम से। आज हम आपको जानकारी दे दें, अखिल परिषद भारती के अध्यक्ष जो नवनिर्वाचित हुए हैं वो राजेश जी पुरोहित हमारे बीच है। नमस्कार साहब आपका, क्योंकि आपने 50 लोगों की एक टीम बनाकर और ऑनलाइन एंड्रॉइड पर लेकर उनसे डेली काव्य पाठ करवाना, उनको डेली प्रमाणित, उनको प्रमाण पत्र देना और कई तरह की गतिविधियों में हर रोज रोजाना उनको ऑनलाइन कविता के माध्यम से इस मंच पर, इस अटल पर लाने का काम करते हैं। मैं बहुत अच्छी मेहनत करते हैं राजेश जी पुरोहित साहब, और साथ में मेरे साथ जो है कई वर्षों से भवानी मंडी के ऐसे पैसे से टीचर है, लेकिन राजेंद्र जी आचार्य, राजेंद्र जी राजन इनका नाम है। मैं इनका भी स्वागत करता हूँ खबर 24 के इस होली के वाले कार्यक्रम में। और बात करता हूँ इनकी परिचय की कि जिंदगी में बढ़ता बढ़ता मैं कुछ बढ़ गया, जिंदगी में बढ़ता बढ़ता मैं कुछ बढ़ गया हूँ, आज यारों के बीच आकर मैं कुछ सच गया हूँ। तो राजन जी राजन का मैं स्वागत करता हूँ। और साथ ही मेरे साथ जो है एक ऐसा नाम है जो कि आपने कई बार सुना होगा, तो आपको थोड़ा सा फनी लगा, आप थोड़े हंसे भी हो, लेकिन हमारे पास एक भेरू नहीं, दो भेरू। अब दो भेरू का परिचय कैसे देंगे वो आपको मैं बता दूं। सबसे पहले भेरू नागर, जो कि हमारे इस झालावाड़ जिले के क्षेत्र से आते हैं, मिश्रोली क्षेत्र से आते हैं। मिश्रोली क्षेत्र आज की तारीख में ग्राम पंचायत एक सौंदर्य पंचायत मानी जा रही है और ये एक छोटे से कस्बे से जाकर पूरे राजस्थान के अंदर अपने काव्य पाठ का लोगों को लुभाने का काम करते हैं, हंसाने का काम करते हैं। और इन्हीं की चार लाइन में कहता हूं कि जिंदगी में बढ़ता बढ़ता बढ़ गया हूं मैं, जिंदगी में बढ़ता बढ़ता बढ़ गया हूं मैं, मुझे क्या पता था कि मेरे साथ एक भेरू और। मैं भैरू जी का भी स्वागत करता हूँ, क्योंकि कई समय से भैरू और भैरू ये दोनों एक अंग है, ये जा जाते हैं एक ही मंच पर जाते हैं और कुछ नया करते हैं, दोनों की जुगलबंदी होती है। जुगलबंदी को किस तरह से किया जाता है वो काम जो है हमारे भैरू जी करते हैं, जो कि सुनेल से आते हैं। और इनकी मैं बात कहूँ तो जब मैंने काव्य पाठ सुना किसी मंच पर तो मुझे काफी ऐसा लगा कि यार मैं कहीं राष्ट्रीय कवि को नहीं सुना। हंसाने की जो एक जानी बैरागी की जो स्टाइल होती है वो स्टाइल मैंने इनमें देखी है। और इसी काव्य गोष्ठी को मैं शुरुआत करूंगा, कार्यक्रम का नाम है बुरा ना मानो होली है। आज हमारे बीच राजेश जी पुरोहित है और स्वागत करते हैं। एक सबसे पहले विधि का विधान है कि कंकु तिलक जो है वो लगाकर आप राजेश जी का स्वागत करें और इसी के साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। साथ ही हमारे भैरू जी का भी, आप राजन जी आप हमारे दूसरे भैरू जी का, क्योंकि क्या होता है कि परंपरा जो है रंगों की होली की वो लगातार चलनी चाहिए। और इसी काव्य गोष्ठी में बुरा ना मानो होली के कार्यक्रम में मैं धीरे धीरे आपको उस ओर लेके जाऊंगा जहां आपने अपनी रचना, ये एक रचनाकार है, तो आप मेरे आपके हाथों से भी मेरे को लगा देंगे तो ठीक रहेगा, क्योंकि ये एक वो होता है रोली लगाने के पहले मेरे मित्र और इस शहर की जानी मानी हस्ती खबर 24 के डायरेक्टर, जिन्होंने देश विदेश में अपने चैनल के माध्यम से सांस्कृतिक महोत्सवों को ऊंचाइयां दी है और हमारी भारतीय संस्कृति की परंपराओं को आगे बढ़ाने का काम किया है, चाहे वो खबरें देश की हो, विदेश की हो, शहर की हो, गांव की हो, सारी खबरों को उन्होंने बहुत बेहतरीन ढंग से चलाने का प्रयास किया है। खबर 24 के डायरेक्टर आदरणीय लोकेश मकवाना साहब जो बेहतरीन कवरेज दे रहे हैं पिछले कई वर्षों से, आपका भी हार्दिक अभिनंदन इस कार्यक्रम में।
और लोकेश जी ने आज ये खबर 24 के कार्यक्रम में होली के शुभ अवसर पर हम सब कवियों को देश के सुदूर प्रांतों तक पहुंचाने के लिए जो प्रसारण का काम किया है, खबर 24 की पूरी टीम को मेरी ओर से हार्दिक बधाई देता हूं। और हमारे डायरेक्टर साहब आदरणीय लोकेश जी मकवाना के सम्मान में चार पंक्तियां पढ़ता हूँ। आदरणीय आचार्य जी, ध्यान चाहूंगा कि नजरों को नजारों की तलाश होती है, फूलों को बहारों की तलाश होती है, और आप तो आसमान है, आसमान में सितारों की कहां कमी होती है, आसमान में सितारों की कहां कमी होती है। ऐसे हमारे लोकेश जी आज के इस कार्यक्रम के संयोजक के रूप में पूरी टीम को लेकर के चलेंगे और एक से एक बेहतरीन कविताएं हमारे साथियों के द्वारा आज इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे। और एक बात और बता दूं, हमारे साहित्य परिषद भवानी मंडी की कार्यकारिणी गठित हुई, उनके सदस्य आप हैं और मीडिया प्रभारी भी आप हैं, इनके लिए भी जोरदार तालियां एक बार फिर। बात करते हैं खबर 24 के कुछ जानकारी आपको दे दूं। खबर 24 लगातार 5 वर्षों से कायम है और झालावाड़ जिला मंदसौर जिले में चैनल भी प्रसारित है। कम से कम 100,000 घरों में हम चैनल अपना देख रहे हैं और यूट्यूब की बात करें तो रोजाना कम से कम 1,000 से 1,500 लोग हमें खबरों को देखते हैं। और सीधी सी बात करें तो हमारे जो पार्टनर है हेमंत जी जायसवाल है, हमारे जो अनिल विश्वकर्मा है, नवीन राजवाल है, जसवंत है, जस्सू यानी कि हमारा एक बड़ा कलाकार है, बंटी जो कि हमारे साथ है। लगातार जिस तरह से 5 वर्षों से इस टीम ने पूरा काम किया है, सीधा सीधा आप देखते होंगे प्रोज जी हर कार्यक्रम आप लाइव देखते हैं, आपने अभी भजन संध्या देखी तो लाइव देखी, आपने पूरी कार्यक्रम का देखा कार्यक्रम तो लाइव देखा, प्रशासनिक अमले की बात करें तो प्रशासनिक अमला भी खबर 24 जरूर देखते हैं और उसमें ये होता है कि देखने के बाद उन समस्याओं का समाधान भी करता है। तो इस कार्यक्रम के प्रायोजक है झालावाड़ नागरिक बैंक, इस कार्यक्रम को पूरा संजीने का जो काम किया है वो झालावाड़ नागरिक बैंक ने किया है। मैं सबसे पहले उनको साधुवाद धन्यवाद देता हूँ, ऐसे कार्यक्रम में वो हमेशा हमारी मदद करते हैं। अब शुरुआत करते हैं आज के होली मिलन समारोह के दोहरा मारो होली कार्यक्रम में। सबसे पहले मैं राजेश जी पुरोहित से शुरू करूंगा कि वो शुरू करें अपना खबर। रंगों का त्योहार है, रंगों की बात करते हैं और जब जीवन में रंग हो तो फिर किसी चीज की कोई कमी नहीं रहती है। तो रंगों में रंगने वाली बात हम करते हैं। एक मुक्तक के माध्यम से मैं अपनी बात आप तक पहुंचाना चाहता हूं कि रंगों में रंग जाए ये रंगों का मेला है, कि रंगों में रंग जाए ये रंगों का मेला है, जीवन क्या फकत 2-4 दिन का ही झमेला है, जीवन क्या फकत 2-4 दिन का ही झमेला है। और कहना चाहूंगा कि जीवन के अंदर कई समस्याएं आती है, कई उलझनें आती है, तब पंक्तियां बनती है कि कभी उलझन भी आती है, कभी उलझन सुलझ जाती, कभी उलझन भी आती है, कभी उलझन सुलझ जाती, ये फागुन का मौसम है, ये फागुन का मौसम है, ये भीड़ का ही रेला है, ये फागुन का मौसम है, ये भीड़ का ही रेला है। आपने देखा है दुनिया कितनी खूबसूरत है, प्रकृति भगवान ने जो बनाई है वो कितनी खूबसूरत बनाई है जिसका हम शब्दों में वर्णन नहीं कर सकते। बड़े बड़े कवियों ने भी प्रकृति का वर्णन नहीं कर पाए, सजीव चित्रण नहीं कर पाए, तो हम और आपकी क्या बिसात है। तब पंक्तियां लिखता हूँ, कभी तो प्यार से देखो कि दुनिया खूबसूरत है, कभी तो प्यार से देखो कि दुनिया खूबसूरत है, भरे है रंग इसमें ही फिजा भी खूबसूरत है, भरे है रंग इसमें ही फिजा भी खूबसूरत है, क्यों बनाते नहीं रंगीन तुम इसको जरूरत है, क्यों बनाते नहीं रंगीन इसको भी जरूरत है, सच पूछो तो जिंदगी रंगों से खूबसूरत है, सच पूछो तो जिंदगी रंगों से ही खूबसूरत है, बहुत खूब है। रंगों की बात है और यदि प्रेम रंग की होली अगर हम खेलते हैं तो सबसे बड़ा रंग प्रेम रंग कहा जाता है, भाईचारा रंग कहा जाता है, एकता का रंग कहा जाता है। और हमारे देश के अंदर विविधताओं में एकता जो भारत की विशेषता है,
भारत देश एक ऐसा देश है जिसमें विभिन्न जाति विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं और रहने के बावजूद एक साथ रहते हैं। यह हमारे देश की विशेषता है, इसीलिए यहाँ प्रजातंत्र है, लोकतंत्र आज भी जिंदा है। तब पंक्तियाँ लिखने में आती है और रंगों के त्योहार से मेरी पंक्तियों को जोड़ता हूँ कि शीत ऋतु की हुई विदाई ग्रीष्म ऋतु में आई होली। शीत ऋतु की हुई विदाई ग्रीष्म ऋतु में आई होली और खिले टेसु के फूल प्यारे। पलाश खिल गया है, अभी हम पहाड़ों पे जाते हैं तो पलाश ही पलाश के केसरिया रंग के फूल आपको नजर आएंगे। तो खिले टेसु के फूल प्यारे, केसरिया ये प्यारे प्यारे। और परीक्षाओं का दौर भी आ गया, बच्चों को कहीं ना कहीं चिंता सता रही है कि परीक्षाएं आई है। माता पिता भी बड़े सजग है, कोरोना का काल है, लेकिन ऑनलाइन परीक्षाओं का नया दौर शुरू हो गया देश के अंदर कि परीक्षा भी नजदीक आई, करो जमकर तुम पढ़ाई। और दादा से पिचकारी मंगाई और दादी अबीर भर के लाई, दादी अबीर भर के लाई। किशन ने डफली बजाई फाग गीतों की बारी आई। लाल पीला हरा नीला, ये हमारे प्रकृति के रंग है, लाल हरा पीला नीला, रंग भर भर के गुलाल उड़ाई। और यदि होली का और धुलेंडी का त्योहार हम मनाते हैं तो कहीं ना कहीं स्वादिष्ट पकवानों का जायका भी हम लेते हैं, लजीज व्यंजन भी हमारे घरों में बनते हैं। तो जलेबी और नमकीन की घर घर खुशबू आई, मंजीरे भी खूब बजाती फा खेलती टोली आई। हंसी खुशी और टिटोली भाईचारा लेकर होली आई। पिचकारी और गुब्बारों में भरे रंग और खेले होली, असत्य की होली का जली, प्रेम रंग की आओ मिलकर होली। प्रेम रंग की होली बहुत शानदार, बहुत प्रेम रंग की आओ मिलकर होली खेले, बड़ा प्यारा सा कावपाट जो है अभी राजेंद्र ने किया है। 24 के दर्शक सीरियस कार्यक्रम को देख रहे हैं और वो भी होली मना रहे होंगे, सब जगह घर में बैठकर होली मनानी चाहिए क्योंकि कोविड का अभी दौर खत्म नहीं हुआ है। और सभी से मेरा निवेदन है कि जितना हो सके 2 गज की दूरी मास्क है जरूरी, इसका भी आप ध्यान दें। मैं अगले कवि को बुला रहा हूँ जो कि राष्ट्रहित की कविता में अपनी बहुत बड़ी कुमारी रखते हैं और जहां भी देश की बात आती है, सैनिकों की बात आती है, तो कविता हमेशा राजन की याद आती है। तो सबसे पहले मैं उनको भावोत्सव की एक लाइन से शुरू करता हूँ। स्वागत है भूपेन जी। कि हर रंग में रंगता है, हर रंग में रंगता है वो इंसान बन जाऊं, हर रंग में जो रंगता है वो इंसान बन जाऊं, आप सभी को होली की शुभकामनाएं। देश विदेश में जितने भी मेरे देश के वासी बैठे हैं, विदेश में बैठे हैं, उनको भी नमन। रंगों की बात चली और देश के सैनिकों की बात चली तो 2 पंक्तियां बोलना चाहता हूं कि बहादे हम सभी मिलकर प्रेम की आज ये सरिता, कि हम सब होली खेलेंगे सुनाकर राष्ट्र की कविता, कि आतंक को खत्म कर कर हमें फिर राष्ट्र गढ़ना है। नमन शहीदों को मेरा, नमन जाबाज ये सेना, नमन शहीदों को मेरा, नमन जाबाज ये सेना। अब मैं अपनी प्रतिनिधि रचना आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। होली खेलो आज सब एक साथ, मनों से मिटा दो भेद, आज आई होली है, आई होली है, राग द्वेष ईर्ष्या निंदा दिल से जला दो सब, मन को बना दो ब्रज धाम, आई आज होली है। सखा बनो कृष्ण वसुदामा, सब जन जन प्रेम बरसाओ, देखो आई आज होली है। फागुन की पूनम में चांद जैसो उजियारो मन में बसाओ, देखो आई आज होली है। भांति भांति रंगों को लगाओ एक दूजे संग, नाचो सब मिल, देखो आई आज होली है। सत्य धर्म राष्ट्र प्रेम मिल के अपनाओ सब,
आज देख आई कृष्ण राधा वारी हो रही है, अंग अंग रंगन में रंग डालो साथी सब, मारो पिचकारी देखो आई आज हो रही है, ठंडाई मिठाई और भांग छनी जात है, हम सब खेलें तो ब्रजवारी हो रही है, बरसाना ब्रज धाम मंडी को बना दो सब, बरसाना ब्रज धाम मंडी को बना दो सब, जमुना बना लो मन आई आज हो रही है, जमुना बना लो मन आई आज हो रही है, छोरा छोरी ताकत है प्रेम भरी सूरत से, छोरा छोरी ताकत है प्रेम भरी सूरत से, रंग है सोला जोड़ी के छोरा है के छोरी है, राधा बनो गोपी सब कृष्ण बनो ग्वाल सब, राधा बनो गोपी सब कृष्ण बनो ग्वाल सब, रंगियों की रंगोली लेके आई आज हो रही है, रंगों की रंगोली लेके आई आज हो रही है। अब हम साहित्य परिषद से जुड़े हुए हैं, मैं साहित्य परिषद का उपाध्यक्ष हूँ, आप अध्यक्ष है, आप मीडिया प्रभारी है, जहां तक साहित्यकार नहीं जुड़ते उत्सवों से वहां तक आनंद नहीं आता, शब्द ब्रह्म होता है। रस खान से गीत रचो मीरा सम गीत गाओ, रस खान से गीत रचो मीरा सम गीत गाओ, मलिक से छंद बोलो आई आज हो रही है, होली खेलो हिल मिल आज सब एक होके, मन में उल्लास भरो आई आज हो रही है, होली खेलो मिल सब आज सब हम सब, मन में उल्लास भरो आई आज हो रही है। और मैं सैनिकों के लिए दो पंक्तियां, सीमा पे सेनाएं खड़ी शहादत की रोली लेके, सीमा पे सेनाएं खड़ी शहादत की रोली लेके, देश प्रेम की गुलालों को मनों से लगा लो अब, मन भेद मत भेद छोड़ो आज मिल सभी, राष्ट्र प्रेम वाली देखो आई आज हो रही है, राष्ट्र भक्ति देखो आज आई आज हो रही है, राष्ट्र भक्ति वाली देखो आई आज हो रही है। इन्हीं पंक्तियों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय होली। आदित्य को जितना सुने उतना कम है। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं राजस्थान नागरिक बैंक, यानी कि झालावाड़ नागरिक बैंक जो है इस कार्यक्रम के प्रायोजक है। देख रहे धीरे 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 कारोबार अपना जो है वो कुमारी पर है, और कवर 24 हमेशा ऐसे कार्यक्रम आपके लिए लाता रहता है, और आज धीरे 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 होली की ये गुदगुदाहट आज धीरे धीरे कवियों के माध्यम से धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। तो मैं थोड़ा सा आपका मन टटोलने के लिए मैं ऐसे कवि को बुलाना चाहूंगा, लेकिन उनका नाम है भैरू, तो उनको कैसे बुलाया जाए। हर रंग की फिल्में मैंने देखी है, हर रंग की फिल्में मैंने देखी है, हर नाम की स्कीम मैंने देखी है, हर रंग की फिल्में मैंने देखी है, हर नाम की स्कीम मैंने देखी है, जब भी मैंने देखा है अपनी आंखों से बस दो ही चीज देखी है, एक भैरू और एक दूसरा भैरू। यानी कि हमारे बीच जो है मैं शुरुआत करूंगा हमारे पास में बैठे मेरे भैरू से, भैरू नागर से, जो कि एक नए नए कवि कोष्ठी में अपनी मुकाम हासिल कर रहे हैं और कुछ वर्षों में अपने नाम का डंका पूरे जिले में नहीं पूरे राजस्थान में बजा रहे हैं। शुरुआत करते हैं, स्वागत है, बहुत बढ़िया संचालन। कवर 24 चैनल के सभी दर्शकों को होली पर्व की हार्दिक मंगल कामनाएं, संपूर्ण देशवासियों को होली की बहुत बहुत मंगल कामनाएं। आइए वसुदेव कुटुंबकम के भाव को लेकर आई होली और संपूर्ण मानव को एक सूत्र में पिरोती इस होली पर्व की सभी को मंगल कामनाएं। आइए होली के पर्व पर एक प्यारा सा गीत आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूँ। स्वागत है भाई, होली पर्व मनाते हैं, चलो खुशियाँ लाते हैं, होली पर्व मनाते हैं, चलो खुशियाँ लाते हैं, चलो उनको मनाते हैं, जो है हमसे रूठे, चलो उनको मनाते हैं। और देखो होली में हम किन चीजों को नाश करें, नफरत और ईर्ष्या को होली में जलाते हैं, नफरत और ईर्ष्या को होली में जलाते हैं, अपनेपन स्नेह की पिचकारी लगाते हैं, अपनेपन की पिचकारी, वाह वाह, स्नेह की पिचकारी लगाते हैं,
कुछ गीत अधूरे हैं उन्हें गुनगुनाते हैं, गीत अधूरे हैं उन्हें गुनगुनाते हैं, होली पर्व मनाते हैं चलो खुशियां लाते हैं। वाह वाह, देखो इस होली पर मेरी क्या कामना है, और संपूर्ण मानव जाति की यही कामना है कि पूरे विश्व में कोरोना वापस अपनी वर्षगांठ मना रहा है, तो इस कोरोना का किस तरह से नाश हो, पूरे विश्व में शांति हो ये तराना गाते हैं। पूरे विश्व में शांति हो ये तराना गाते हैं, भारत हो जगत गुरु ये अलख जगाते हैं। जिस तरह से भारत संपूर्ण विश्व में कोरोना के मामले में पूरे विश्व को वैक्सीन प्रदान कर रहा है और अपनी भारतीय भूमिका निभा रहा है, वापस विश्व गुरु बनने के भारत के दिन आ रहे हैं, और निश्चित रूप से हमारा भारत वापस विश्व गुरु बनेगा इस वैश्विक महामारी में। सभी के लिए एक बहुत बड़ा प्रेरणा का स्रोत आदरणीय देश के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बनकर उतरा है कि भारत हो विश्व गुरु ये अलख जगाते हैं, कोरोना से हो मुक्ति चलो कदम बढ़ाते हैं। बहुत बढ़िया, कोरोना से हो मुक्ति चलो कदम बढ़ाते हैं, होली पर्व मनाते हैं चलो खुशियां लाते हैं। देखिए मित्रों, होली का त्योहार चल रहा है और होली में एक पति अपनी पत्नी से कहता है कि आओ प्रिय तुम्हें गुलाल लगा दूं, और उसकी पत्नी कहती है कि भाई कोरोना के नियमों का पहले पालन करो, उसके पश्चात कोरोना की गाइडलाइन का पालन करते हुए आप मेरी गुलाल लगाना। तो पति अपनी पत्नी से कहता है कि मैंने कहा सुनो गोरी मेरे संग खेलो गोरी, लाल पीला नीला रंग मुझे भी लगाओ ना। बहुत बढ़िया, मैंने कहा सुनो गोरी मेरे संग खेलो गोरी, लाल पीला नीला रंग मुझे भी लगाओ ना, दूरी को घटा के थोड़ा मास्क हटा के गोरा गोरा प्यारा मुख मुझे भी दिखाओ। बहुत बढ़िया भाई, आज तो होली है, आज तो सोशल डिस्टेंसिंग मत रखने दो। तो पत्नी कहती है कि दूरी को घटा के थोड़ा मास्क हटा के गोरा गोरा प्यारा मुख मुझे भी दिखाओ ना। पत्नी का प्यारा सा प्रत्युत्तर देखिए, तो गोरी बोली सुनो प्यारे भूल जाओ खेल सारे, पास में आके मेरे रंग लगाओ। क्या बात है, तो गोरी बोली सुनो प्यारे भूल जाओ खेल सारे, पास में आके मेरे रंग लगाओ ना, कोरोना का डर है ये दूसरी लहर है, अस्पताल में जाकर पहले वैक्सीन ठुका। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा संदेश, बहुत बढ़िया। अस्पताल में जाकर पहले वैक्सीन ठुका, अस्पताल में जाकर पहले वैक्सीन ठुका होना। तो होली का उत्सव चल रहा है मित्रों, और वापस कोरोना भी वापस धीरे धीरे पसार रहा है, और हमको सचेत रहने की जरूरत है, पुनः देश की अर्थव्यवस्था वापस पटरी पर आई, और ऐसा ना हो कि हमारी थोड़ी सी चुकों से फिर आपस उसी मुकाम पर हम पहुंच जाए। तो किस तरह से होली में कोरोना का समावेश, लीजिए छोटा सा स्वागत है भाई। एक बेवड़ी, होली का उत्सव आया सबके ही मन को भाया, मेरी कोरोना ने फिर अपना रूप दिखाया, कोरोना तो बड़ा ही दुश्मन है ये वायरस का संगम है, कोरोना तो बड़ा ही दुश्मन है ये वायरस का संगम है। इससे बचने के लिए क्या करें हम होली पे, पिचकारी में सैनिटाइजर भर के सब पे छाटो। बहुत बढ़िया, पिचकारी में सैनिटाइजर भर के सब पे छाटो, मास्क को मुंह पे लगा के होली की खुशियां बांटो, दो गज की दूरी बनाओ, वैक्सीन भी जल्दी लगाओ। बहुत अच्छा संदेश है, डिस्टेंस बना के कोरोना को दूर भगाओ, कोरोना वाह वाह वाह, संग में। बहुत बहुत शुक्रिया, और उसको आपके सामने पेश करते हैं। बात बहुत जरूरी है कि दो गज की दूरी मास्क से जरूरी,
लेकिन प्रधानमंत्री हो चाहे मुख्यमंत्री हो या राज्य की कई राज्य की सरकारें, वो हमेशा जब भी कोई देश में युद्ध आती है तो गाइडलाइन की बात करती है। लेकिन हमें भी उस चीजों का ध्यान रखना चाहिए क्योंकि हम उनके साथ जुड़े हुए हैं, चाहे प्रशासनिक अमला हो, जिला कलेक्टर हो, कोई भी आपका जो अधिकारी हो, अगर वो आपसे कहता है कि आप दूरियां बना के चलें, सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखें, और मेरा एक और निवेदन है कि आप शादी समारोह में अगर जाते हैं तो थोड़ा सा अपना ध्यान रखें, सैनिटाइज होकर जाएं, मास्क लगा के जाएं, और जब आप टीका लगाने कोविड का जाएंगे तो आप अपनी जान जरूर कराएं। खबर 24 सीधा कार्यक्रम को लेकर चलता है और बार बार ये मैसेज इसलिए देता है क्योंकि दूसरी जो लाइन है कोविड की, वो आपने महाराष्ट्र में देखा है, वहां लॉकडाउन है। हम नहीं चाहते कि राजस्थान में दोबारा लॉकडाउन रहे और हमें सोशल डिस्टेंस का पूरा ध्यान रखना चाहिए। और इसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, मैं बात करता हूँ एक भेरू ने बहुत प्यारी कविता जो कोविड के बारे में हमें बताई है, सुनाई है, दर्शक भी उसको देख रहे हैं। अब मैं उस भेरू की बात करता हूँ जो कि सुनेल से आते हैं, सुनेल यानी कि अहिल्या का सुनेल। अब वो झालावाड़ जिले में समन में हुआ है, अहिल्या कुमारी का सुनेल। हाँ बिल्कुल, थाना राजस्थान अहिल्या नगरी के नाम से सुनेल जाना जाता है। और ये लास्ट मॉडल थी शायद हमारी, अहिल्या कुमारी की एक लास्ट मॉडल सुनेल टप्पा था, जब होलकर स्टेट था उस समय का पुराना सबसे पुराना कस्बा है और वहीं से चल के आते हैं, वहीं से चल के आते हैं। इनकी इनके बारे में जान लाइक मैं कहूंगा, मुकद्दर की बातें तो हर रोज होती है, मुकद्दर की बातें तो हर रोज होती है, फोन पे मुलाकातें तो हर रोज होती है, लेकिन आज खबर 24 पे आए से भेलू उसका स्वागत जोर से करते हैं। और हम इसी के साथ सीधा लेके चलते हैं भेलू से। सर्वप्रथम सभी राष्ट्रवासियों को होली पर्व की शुभकामनाएं और आदरणीय लोकेश जी मकवाना के माध्यम से हम आपसे होली के इस पावन पर्व पर रूबरू हो रहे हैं। तो मैंने उनसे एक प्रश्न किया कि होली संघ कवियों के संघ का आपका क्या उद्देश्य है, तो दो पंक्तियां मुझे आदरणीय लोकेश जी भाई साहब के लिए किसी साहित्यकार की याद आ जाती है कि मैंने इनसे पूछा कि आपका क्या उद्देश्य है कवि सम्मेलन करने का। तो सुनिएगा किसी साहित्यकार की दो पंक्तियां आदरणीय मकवाना जी भाई साहब के नाम, कि चाह नहीं मैं चांद सितारा हो जाऊं, ये मेरे भैया चाह नहीं मैं चांद सितारा हो जाऊं, बस हो कहीं अंधेरा तो बस उजाला हो जाऊं, बहुत बढ़िया, अंधेरा तो बस उजाला हो जाऊं, ऐसा ही लक्ष्य लेकर के खबर 24 के माध्यम से हमारे राष्ट्रवासियों को देश की हर खबर से रूबरू करा रहे हैं। आदरणीय लोकेश जी मकवाना भाई साहब को बहुत-बहुत आभार। और लीजिए मेरे सभी साथी कवि सज्जनों ने आपके बीच में सुरों में बहुत अच्छे गीत सुनाए, अब मैं तो हास्य कवि हूँ, मैं तो असुरों में गाता हूँ क्योंकि भाई साहब ये सभी सुरों में गाते हैं। और होली का महोत्सव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, एक नायक की जो नायिका है वो होली का रंग लगाने से दूर भगती है मित्रों, और क्रीम लगाने लगी है आजकल। बहुत बढ़िया, तो सुनिएगा कि होली का पर्व आ रहा है तो एक नायक जो है उसकी नायिका को कैसे लुभाने का प्रयास करता है और रंग लगाने की कोशिश करता है और नायिका क्रीम लगाना चाहती है। तो सभी का आशीर्वाद चाहूंगा कि पतंजलि वाली क्रीम लगाने लगी जब से, कि पतंजलि वाली क्रीम लगाने लगी जब से, लोहे जैसी खाल वाली झिंक लगने लगी, अरे वाह वाह वाह, पतंजलि वाली क्रीम लगाने लगी जब से, लोहे जैसी खाल वाली झिंक लगने लगी, और सूरत से सीधी है वो अदाओं में चालबाज, सूरत से सीधी है वो अदाओं में चालबाज, आशिकों की बड़ी वाली लिंक लगने लगी, और एक ही नजर से जो किया वार मुझ पर, एक ही नजर से जो किया वार मुझ पर, वो प्यार की नशीली ड्रिंक लगने लगी, और होली पे जो रंगा मैंने उसके गोरे तन को, और होली पे जो रंगा मैंने उसके गोरे तन को, वो जयपुर सियारों पिंक लगने लगी, पिंक लगने लगी। फिर भी वो नायिका जो है मानने को तैयार नहीं है, रंग लगाने को तैयार नहीं है। मित्रों होली मोहब्बत का त्योहार है, प्रेम का त्योहार है, तो मैं वापस कोशिश करता हूँ नायिका को मनाने की, और मैंने फिर नायिका से निवेदन किया, सुनिएगा और आनंद लीजिएगा, कि यौवन में मगरूर कर दो बीमारी दूर, यौवन में मगरूर कर दो बीमारी दूर, प्रेम रस वाली तुम गोली लगती हो जी, यौवन में मगरूर कर दो बीमारी दूर, प्रेम रस वाली तुम गोली लगती हो जी, और नजरों से मारती हो मुलाकातें टालती हो, इतनी भी नहीं तुम गोली लगती हो जी। कोशिश कर रहा हूँ मैं नायिका को मनाने की, लेकिन वो कमबख्त मानने का नाम ही नहीं ले रही है भाई साहब,
के यौवन में मगरू रे कर दो बीमारी दूर प्रेम रस वाली तुम गोली लगती हो जी और नजरों से मारती हो मुलाकातें टालती हो इतनी भी नहीं तुम अरे वाह बहुत बढ़िया भाई वाह लगा दूं गुलाल तेरे गोरे गोरे गालों पर पूरी कोशिश करते हैं सारे दीवाने गालों तक पहुंचने की लेकिन वही संदेश सुनने को मिलता है दिस नेटवर्क इज आउट ऑफ कवरेज एरिया क्या रे क्या कि लगा दू गुलाल तेरे गोरे गोरे गालों पर लगा दू गुलाल तेरे गोरे गोरे गालों पर मेरे अंग लगो ऐसी रोली लगती हो ऐसी रोली लगती हो गजरा नेने और लाल लाल होठ देख गजरा नेने और लाल लाल होठ देख पूरा साल मुझे तुम होली लगती पूरा साल मुझे तुम होली लगती हो जी मित्रों ये तो मोहब्बत की बात हो गई हास फरियास की बात हो गई लेकिन आदरणीय लोकेश जी भाई साहब ने जो कवि सम्मेलन का आयोजन किया इसका क्या उद्देश्य होना चाहिए चंद पंक्तियों से मैं हमारे भारतवासियों को राष्ट्र प्रेमियों को इसका उद्देश्य बताने का प्रयास करता हूँ आप सभी का आशीर्वाद चाहूंगा कि होली का क्या उद्देश्य होना चाहिए कि रूठे हुए मन जाए प्रेम संग बंध जाए अपनों को जोड़ने का भाव होना चाहिए कि रूठे हुए मन जाए प्रेम संग बंध जाए अपनों को जोड़ने का भाव होना चाहिए और अपनों को पाना है तो मित्र को रिझाना है तो बातों से ना दिल पर घाव होना चाहिए तू तुम्हें मैं करने में भाई से झगड़ने में रोज रोज नहीं काम काम होना चाहिए और अनमोल जिंदगी में प्रभु जी की बंदगी में प्रेम को निभाने का भी चाव होना चाहिए और जैसा कि होली विषय है तो इसी होली पर चंद पंक्तियां और मैं आपके बीच में परोस करके अपनी वाणी को विराम दूंगा स्वागत है भाई कि वैर भाव छोड़ो यार वतन से करो प्यार आओ गले मिले आज होली का त्योहार बहुत बढ़िया वैर भाव छोड़ो यार वतन से करो प्यार आओ गले मिले आज होली का त्योहार है और जात पात छोड़ कर बंद सारे तोड़ कर प्रेम की हो बरसात होली का त्योहार है और मानव का मान रहे तिरंग की शान रहे लोकेश भाई साहब मानव का मान रहे तिरंग की शान रहे मिटे सब खुरापात होली का त्योहार है जिंदगी सवर जाए हरी रंग रंग जाए जिंदगी सवर जाए हरी रंग रंग जाए आओ बने प्रहलाद होली का त्योहार है आओ बने प्रहलाद होली का त्योहार है मित्रों इसी के साथ मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि कोरोना से सावधानी बरते और एक गज दूरी राजस्थानी कविता जो है आपकी जो काल गोष्ठी है उसको मैं कोशिश करता हूँ आपको सुनाने का प्रयास करें क्योंकि दर्शक चाहते हैं कुछ अलग से सुनना बिल्कुल जैसा भाई साहब का आदेश है थोड़ा सा एक अलग से थोड़ा सा लोगों देखिए आजकल ये जो है मोबाइल से भी जो है हमारी युवा पीढ़ी जो है बड़ी ग्रसित है मोबाइल से युवा पीढ़ी इतनी ग्रसित हो गई है भाई साहब कि एक खेल तो ऐसा आ गया है पबजी उस पबजी ने तो हमारे कई नई पीढ़ी के बच्चों की जो है जान ले ली है कई सारे हमारे भारत के भविष्य पबजी और मोबाइल के चक्कर में अपनी जाने गंवा चुके हैं तो मुझे एक चुटकला भाई साहब याद आ जाता है कि एक दिन में मेरे मित्र के यहाँ गया और मित्र के यहाँ गया तो पहले बगीचे में उनका बच्चा मुझे मिल गया तो पहली भेंट उनके बच्चे से हुई अब उनका बच्चा तो पहले से बड़ा परेशान है क्योंकि उसके मोबाइल में 4G नेट खत्म हो गया भाई साहब और वो पबजी खेल रहा था तो भाई साहब वो बार बार कह रहा है 4G खत्म हो गया पबजी कैसे खेलूंगा भाई साहब देखो पबजी खेल का पागलपन देखो अब मैंने उस बच्चे से जाते ही पूछा कि बेटा नमस्ते तेरे पिताजी का नाम क्या है कि पबजी भाई साहब पबजी में पागल है मैंने कहा तेरे पिताजी का नाम क्या है कि पबजी तेरी माताजी का नाम क्या है कि 4G मैंने कहा तेरे दादाजी का नाम क्या है खत्म हो गया भाई साहब वो तो क्या है कि पबजी के चक्कर में पागल हो रहा है वो नहीं दे पा रहा है और मोबाइल के बारे में एक व्यंग लिखा है कि एक दादाजी जो होते हैं भाई साहब
वो अपने 10 साल के बच्चे को कहते कि बेटा उठ काम कर, कुछ विद्यालय का काम कर, घर का काम कर, दिन भर भटकता फिरता है और ये मोबाइल में बार बार अंगुली करता रहता है। तो बच्चे को गुस्सा आ जाता है कि दादाजी आपके जमाने में मोबाइल थोड़ी था जो आप उंगली करते, आपके जमाने में आपकी अंगुलियां थोड़ी बीजी थी, हमारे जमाने में मोबाइल है तो हमारी अंगुलियां बीजी है। दादाजी का स्वाभिमान जगा भाई साहब, और दादाजी ने जो बच्चे को कहा सुनेगा और आनंद लीजिएगा, दादाजी बोले कि आंगरिया तुम्हारा जमाने में भी घड़ी घड़ी बीजी थी, आंगरिया तुम्हारा जमाना में भी घड़ी घड़ी बीजी थी, पुरानी मोबाइल की जगह थारी जीजी थी। मतलब मोहब्बत से रहते थे, मिलकर के रहते थे, मोबाइल के चक्कर में नहीं रहते थे, एक दूसरे को समय देते थे, है ना, अपने जीवन साथी के साथ बैठते थे। तो दादाजी बोले कि अंगुलियां तो हमारी भी घड़ी घड़ी बीजी थी, पुरानी मोबाइल की जगह थारी जीजी थी, और आज भी मुँह उनको मत दूंगा मारी लेला छे भाई साहब, आज भी मुँह उनको मत दूंगा मारी लेला छे, और जोड़ी माँ की नेले पे देला छे, और आनी मोबाइल की घर घर में लड़ाई है, लोकेश राजस्थानी मैं अपनी बात रख रहा है, कवि बंधु फिर चौहान जी हो जाता है, लेकिन मोबाइल संबंध तोड़ने का भी कारण बन रहा है। तो मेरा यही उद्देश्य है खबर 24 न्यूज के माध्यम से, भाई साहब के माध्यम से, कि मोबाइल का सकारात्मक उपयोग करें, मोबाइल से हम बहुत सारी चीजें सीख करके हमारे जीवन में ऊंचाइयों को छू सकते हैं। इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम। लोकेश जी, COVID-19 के लिए हमारे अखिल भारतीय साहित्य परिषद परिवार की ओर से, खबर 24 परिवार की पूरी टीम की ओर से COVID-19 के लिए हम इतना ही कहना चाहेंगे कि आप सामाजिक दूरी का पालन करें, मास्क लगाएं और कोरोना सरकारी गाइडलाइन का आप जरूर पालन करें। कोरोना की दूसरी लहर दस्तक दे चुकी है, भीड़भाड़ से दूर रहें, इसलिए आप जितना जागरूक रहेंगे यही एक बचाव का रास्ता है और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। राजेश जी, चार लाइन जो है हमें सुनना चाहता हूँ आपके मुंह से, जो आपने तैयारी करी है। मैं आपको एक गीत के साथ जोड़ना चाहता हूँ, फागुन की मस्ती में हम सब लोग अभी कवि पाठ कर रहे हैं, और फागुन के गीत से मैं आपको वापस जोड़ता हूँ। कवि बंधु भेरू चौहान जी ने अपनी राजस्थानी भाषा में, अपनी मायड़ भाषा में, अपनी लोक संस्कृति को अंगीकार करते हुए जन जन तक अपनी बात पहुंचाने का प्रयास किया एक हास्य के माध्यम से। मैं आपको पुनः एक गीत से जोड़ता हूँ, चार पंक्ति आपके बीच में रखता हूँ साहब, कि आयो फागुन को त्योहार लायो, संग में रंग हजार झूमे, गोप गोपियां यार मनाए, होली का त्योहार मनाए, होली का त्योहार। होली का त्योहार कैसे मनाए, होली क्या संदेश देती है, चार पंक्तियों के साथ में आपकी बात करना चाहता हूँ। बैर भाव को आज बुलाकर सबको गले लगाएं, बैर भाव को आज बुलाकर सबको गले लगाएं, कि रंग दे सबके गोरे गाल, कि रंग दे सबके गोरे गाल मनाए होली का त्योहार। और होली का त्योहार है तो होली के त्योहार में गीत और संगीत नहीं हो तो होली का त्योहार अधूरा माना जाता है। सिर्फ रंगों से होली नहीं खेली जाती है, आत्मिक सद्भाव हो, लोगों में भाईचारा हो, प्रेम रंग हो, तब होली खेलने का आनंद आता है। पंक्तियों में लिखने का प्रयास करता हूँ कि चंग ढोल डफली बजाए, फागुन के हम गीत गाए, चंग ढोल डपली बजाए, फागुन के हम गीत गाए, कि गाए छंद गीत दो चार, गाए छंद गीत दो चार, मनाए होली का त्योहार। और होली के त्योहार में मिठास होना चाहिए, शब्दों की मिठास एक अलग मिठास है, लेकिन जब तृप्ति होती है, भूख की तृप्ति, तो मिठाइयों से होती है, लजीज व्यंजनों से होती है। हर घर हर परिवार के अंदर हम बच्चों की खुशी के लिए, हम सबकी खुशी के लिए कुछ न कुछ व्यंजन बनाते हैं, तब होली पूरी मानी जाती है। गुजिया पापड़ और मिठाई, सबसे बड़ी है प्रेम सगाई, गुजिया पापड़ और मिठाई, सबसे बड़ी है प्रेम सगाई, कि करके सबकी हम मनुहार, करके सबकी हम मनुहार, मनाए होली का त्योहार। और होली का त्योहार और बरसाने की बात ना हो, ब्रज की 84 कोर्स की बात ना हो, जहाँ होली होली खेली जाती है, चाहे लट्ट मार होली की बात करें या होली की उड़तन की बात करें, तो होली अगर देखना है तो ब्रज में जरूर जाना होगा, राधा कृष्ण की होली।
बरसाने की छोरी और शोर मचाए गोरी, बरसाने की छोरी और शोर मचाए गोरी, लेके रंगों की पिचकारी, लेके रंगों की पिचकारी करती देखो ये बोछार, लेके रंगों की पिचकारी करती देखो ये बोछार, मनाए होली का त्योहार। और होली के त्योहार में जब हम धुलेंडी खेलते हैं उससे एक दिन पहले होलिका का दहन करते हैं। होलिका क्या है? होलिका है अधर्म की होली, असत्य की होली, बुराई की होली हम जलाते हैं और संदेश देते हैं समाज को। अधर्म की होली जलाएं, भक्त प्रहलाद के दर्शन पाएं, अधर्म की होली जलाएं, भक्त प्रहलाद के दर्शन पाएं, गुजारे जीवन के दिन चार, गुजारे जीवन के दिन चार, मनाए होली का त्योहार। होली का त्योहार संदेश देता है अपनत्व का, होली का संदेश देता है हम नफरत को भूल जाएं, द्वेष घृणा की जो भावना है, काम क्रोध लोभ मोह मल विक्षेप के जो दाग है वो हमारे मिट जाएं और सांवरिया के रंग में हम सब रंग जाएं। ये हमारे मन की भावना है, इन पंक्तियों के माध्यम से रखना चाहता हूँ। नफरत की दीवार गिराएं, सद्भावों के रंग सजाएं, नफरत की दीवार गिराएं, सद्भावों के रंग सजाएं, एक सांवरिया के रंग में रंग कर, एक सांवरिया के रंग में रंग कर, मनाएं होली का त्योहार, मनाएं होली का त्योहार। होली के इस त्योहार पर पूरी परिषद की ओर से यही संदेश देना चाहूंगा कि हम अपनत्व के रंगों से होली खेले, भाईचारों के रंग से होली खेले। यदि हमारे परिवार में संस्कार और संस्कृति जिंदा है तो होली और रंगों के त्योहार को मनाने की सार्थकता पूरी होती है। मित्रों, खबर 24 की पूरी टीम को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और विशेष रूप से नागरिक सहकारी बैंक भवानी मंडी ने ये कार्यक्रम सजाया है, वो इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं। तो हमारी पूरी टीम की ओर से नागरिक बैंक की पूरी शाखा को बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। ये थे राजेश जी, ये ऐसे कवि हैं, साथ में ये बड़े लेखक भी हैं, रचनाकार हैं और इनकी बहुत सारी जो साहित्यिक किताबें हैं वो हम पढ़ते हैं रोजाना। इनको हम हमारे अखिल भारतीय परिषद के ग्रुप में इनको रोजाना अपडेट हुए देखते हैं। उन 50 कवियों को जगाने का जो काम है वो ये करते हैं और धीरे 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 झालावाड़, पाटन, निकलेरा, सुमेल, पिड़ावा सभी जगह मिलकर अरुण जी गर्ग, राजेंद्र जी आचार्य, राजेंद्र जी पुरोहित, इन सभी ने मिलकर इस अखिल भारतीय साहित्य परिषद को जो बनाने का, जो जोड़ने का काम किया है। खबर 24 इनका बहुत बड़ा शुक्रगुजार है और इन्होंने हमेशा खबर 24 के आग्रह पर कोई भी सामाजिक कार्यक्रम हो, कोई भी गतिविधियां हो, कोई भी काव्य गोष्ठी कार्यक्रम हो, उसमें ये अपनी भागीदारी निभाते हैं। और खबर 24 हमेशा इनसे यही चाहता है कि जब भी खबर 24 आपको याद करे तो आप तुरंत हमारे आगे पर पधारे, क्योंकि आपका अपना चैनल है। और इस होली के इस विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही, देखते रहिए खबर 24 न्यूज और इस कार्यक्रम के प्रायोजक है झालावाड़ सरकारी नागरिक बैंक। नमस्कार।